हाई एवरी वन, वेलकम टू दिस पार्ट थ्री ऑफ द वीडियो। इस पार्ट थ्री में मैं डिस्कस करूंगा जोडियक साइंस ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी बना चुका हूँ, वेर आई हैव डिस्कस द जोडियक साइंस ऑफ सन, मून, मार्स, वीनस एंड मर्क्यूरी। तो अगर आपको वो पहले देखना है तो आई सजेस्ट आप ये वीडियो पॉज करें और पहले उन वीडियोज को देख लीजिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पार्ट थ्री ऑफ जोडियक साइंस ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट शनि, सैटर्न। तो सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ डिले, बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो रॉयल फैमिली का हमने सबको स्टेटस दिया था, इसमें सैटर्न का अलॉटमेंट दी हुई है सर्वेंट की। तो इससे हमें क्या पता लगता है, दैट सैटर्न लव्स कमिटमेंट, सैटर्न लव्स सर्विस। जितने भी हमारे ओल्ड लोग हो गए, पुअर लोग हो गए, हमारे प्लम्बर्स हो गए, जो भी मीनियल जॉब्स करने वाले लोग हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं रिक्शा पुलर्स, ये सारे शनि हैं हमारी लाइफ में। सैटर्न रियली लव्स हार्डवर्क, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, बाउंड्रीज। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, या आप कभी वैसे भी देखेंगे लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है, तो बिना लाइफ में स्ट्रक्चर लेके आए, बिना किसी डिसिप्लिन, डेली रूटीन के, क्या वो सक्सेस पॉसिबल है? तो वही सैटर्न ना बहुत ही मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है। सैटर्न एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वेल्थ गिविंग प्लैनेट है आउट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन ज्योतिष। और अगर आपको कोई बोलता है ना कि आपका शनि खराब है या आपकी शनि की दशा चल रही है, लाइफ में बस हार्डवर्क करो, एक डेली रूटीन, एक डिसिप्लिन ले आओ लाइफ में, सैटर्न खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं कहता सैटर्न फिर आपको। चलिए अब बात करेंगे सैटर्न की जोडियक साइंस के बारे में। तो फर्स्ट जोडियक साइंस सैटर्न का है कैप्रिकॉर्न, दैट इज नंबर 10, एंड सेकेंड इज एक्वेरियस, दैट इज नंबर 11। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न का एलिमेंट हो गया अर्थ और जेंडर हो गया फीमेल। कैप्रिकॉर्न इज बेसिकली अ वेरी सीरियस प्रैक्टिकल साइड ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न, सिंस द ओरिजिनल सिग्निफिकेटर ऑफ बाउंड्री, रिस्ट्रिक्शंस, रियलिटी, इट ऑफन कीप्स दिस कैप्रिकॉर्न नेटिव्स इन रियलिटी चेक। इसका मतलब द मोमेंट दे डू समथिंग रॉन्ग, दे इंस्टेंटली गेट अ कार्मिक चेक। मतलब अगर ये कुछ भी गलत करते हैं तो ये जनरली लाइफ में देखते हैं उसका रेपरकशन इनको बहुत जल्दी हो जाता है। और सिंस ये ओरिजिनली 10th हाउस ऑफ वर्क से निकल रही है ये राशि कैप्रिकॉर्न की, सो दीज पीपल एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड इन लाइफ एंड आर एबल टू अचीव मेनी थिंग्स इन लाइफ। दे आर एक्चुअली मोर प्रैक्टिकल देन वर्गोस एंड आर वेरी गुड एट स्ट्रक्चरिंग थिंग्स। इनके प्रोफेशंस हो जाते हैं जैसे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स ले लो, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बैंक मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, फैक्ट्री ओनर्स, स्टील का काम हो गया, जैसे कॉपर का काम हो गया, बिजनेस ओनर्स भी हम कैप्रिकॉर्न राशि से देख सकते हैं। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन, दैट इज फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 10 लिखा है, दैट इज योर कैप्रिकॉर्न लगना, तो इन सिनेरियोज में आप ट्राई करके देखिए ये ट्रेड्स से आप एसोसिएट कर पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू एक्वेरियस, नंबर 11। एक्वेरियस राशि सैटर्न की एक रिबेलियस और लाइटर साइड होती है। सिंस अच्छा, इसका जो जेंडर होता है वो मेल होता है और एलिमेंट हो जाता है इसका एयर। तो सिंस एक्वेरियस ओरिजिनली रूल्स द 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड नेटवर्क सर्कल्स, सो एक्वेरियस पीपल आर एक्चुअली वेरी गुड एट नेटवर्किंग एंड दे आर एबल टू अकम्प्लिश दैट टास्क एंड गोल्स थ्रू रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क एंड सर्कल्स। क्योंकि ये नेटवर्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बहुत ईजिली लोगों को भी एक दूसरे से कनेक्ट बहुत अच्छे से करा लेते हैं। एंड एक्वेरियस लोगों के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है दैट दे नो हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री इन देयर सोशल लाइफ। एंड इनफैक्ट किसी भी सोशल लाइफ में अगर आपको एक हेल्दी डिस्टेंस बाउंड्री मेंटेन करना आता है, दैट इज़ अ वेरी की रोल इन हैविंग अ गुड सोशल लाइफ, राइट। एंड अब इनके अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूँ, तो इनके प्रोफेशंस कुछ भी ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है नेटवर्किंग करने की, लोगों को कनेक्ट कराने की, एनी थिंग विद लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिएटिंग अ चेंज इन सोसाइटी, अ लॉट ऑफ ये एरियाज दे डू वेरी वेल। वन थिंग विद देम इज, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो अबाउट एक्वेरियस, दे डोंट लाइक टू इंटरफेयर इन एनीबडीज लाइफ, नॉर दे वॉन्ट इंटरफेरेंस इन देयर ओन लाइफ। सो बेसिकली दे लाइक टू टेक स्पेस एंड गिव स्पेस। द मोमेंट यू पेस्टर देम एंड यू नो ब्रीच देयर पर्सनल स्पेस, दैट मोमेंट फिर डिजास्टर्स भी क्रिएट हो सकते हैं एक्वेरियस नेटिव्स के साथ। तो अगेन ये सब वैलिड हो जाता है अगर आपका राइजिंग साइन, जो आपका लगना है, वो एक्वेरियस का है, नंबर 11 फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, या सन या मून आपका एक्वेरियस में है। मतलब सन या मून अगर 11 नंबर की राशि में बैठा हो कहीं पे भी, तो वो आप उससे रिलेट करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। सो जुपिटर हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ प्रीस्ट
और अ किंग्स मिनिस्टर इन द रॉयल फैमिली. तो इफ़ यू इवन वॉच स्टोरीज और रेड स्टोरीज, एंशियंट टाइम्स में भी जो किंग्स हुआ करते थे वो बिना अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस के वॉर पे नहीं जाते थे. मिनिस्टर ही होता था जो ब्लूप्रिंट देता था कि आगे वॉर कैसे राजा ने लड़नी है. जुपिटर इज ऑल्सो द एस्ट्रोलॉजर, और कोई भी राजा वॉर पे जाने से पहले अपने एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस हमेशा लेता था. जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी रिप्रेजेंट्स द ट्रूएस्ट विजडम. जुपिटर इज योर धर्मा, द थिंग्स द वर्क यू परफॉर्म विदाउट योर ईगो एंड स्टेटस, दैट धर्मा. जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिलीजन. जुपिटर रिप्रेजेंट्स विजडम. जुपिटर बेसिकली हायर एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ विजडम, हायर नॉलेज, एजुकेशन, ये सब जुपिटर के कारकाज हो गए. जुपिटर इन सब चीज़ को सिग्निफाई करता है. सो बेसिकली अगर मर्क्यूरी लोअर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जुपिटर हायर लेवल ऑफ विजडम है, नॉलेज है. तो अगर मैं इसको आपको कंपेयर करूँ, तो अगर मर्क्यूरी से है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा स्कूल टीचर्स का, तो जुपिटर का मतलब हो गया कॉलेज प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स. तो ये जुपिटर के ट्रेड्स हो गए. अब मैं आपको जुपिटर की राशियां बताऊंगा, दैट इज सैजिटेरियस नंबर 9 एंड पाइसिस नंबर 12. सो लेट्स स्टार्ट विद सैजिटेरियस. सैजिटेरियस जोडियाक साइन का एलिमेंट हो जाता है फायर, जेंडर इज मेल. सैजिटेरियस इज द ट्रूएस्ट फिलोसोफर ऑफ द जोडियाक बेल्ट सिंस इट फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ जुपिटर. सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट इम्पार्टिंग नॉलेज एंड गाइडिंग पीपल. सो बेसिकली दे लव, they are more about practical knowledge, so their wisdom comes from thinking logically than rather than being in a, you know, a philosophical dream world jahan par sirf philosophical wisdom ki baat chal rahi ho. ye aise nahi hote, inko practical wisdom inko zyada matter karti hai. matlab for a sagittarius person, agar kisi ka sagittarius mein sun moon ya lagan hai, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को intellectual conversation, you know, holding great dialogues can be, they can find that much more romantic than a fancy restaurant date. That means ki inke liye inki educational drive is more important than their sex drive. The only drawback which comes with Sagittarius Rashi is that ye thode egoistic ho jate hain aur inki thinking bahut orthodox ho sakti hai. अब वैसे एक्वेरियस राशि के मैं एक ड्रॉबैक मैं मिस कर गया था, सब राशियों के कुछ ड्रॉबैक्स होते ही हैं, कि एक्वेरियस पीपल कैन कम आउट टू बी वेरी इमोशनलेस एट हार्ट. ऐसे होते नहीं, बट सिंस वो थोड़े इसेंट्रिक होते हैं, सो इवन एक्वेरियस पीपल कैन कम आउट टू बी अ बिट कोल्ड इमोशनलेस. सो नाउ कमिंग बैक टू सैजिटेरियस, तो सैजिटेरियस लोगों के मैंने आपको बता दिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंने आपको उनका ट्रेट्स बता दिए. मैं लास्ट इनके थोड़े प्रोफेशंस बता दूंगा. आप इनके रिसर्चर्स हो गए, नॉन फिक्शनल राइटर्स हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो, ये सब कुछ लाइन ऑफ वर्क हो जाती है जहाँ पर इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट हो सकता है. बेसिकली कोई भी चीज़ जहाँ पर एक राइटियस पाथ फॉलो करने की बात हो, एक धर्म, एक रिलीजन को फॉलो करने की बात हो, ये राशि पूरी उस पर बेस्ड होती है. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट पाइसिस. पाइसिस इज द लास्ट जोडियाक ऑफ द बेल्ट. अब पाइसिस का एलिमेंट हो जाता है वाटर और जेंडर हो जाता है फीमेल. सिंस दिस राशि इज रूल्ड बाय जुपिटर, तो ये थोड़ा ना स्पिरिचुअल रेल्म और इमेजिनेटिव राशि होती है. अकॉर्डिंग टू काल पुरुष कुंडली ऑल्सो, इट रूल्स द ओरिजिनल 12th हाउस. 12th हाउस विच शोज हिडन टैलेंट्स, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ भी दिखाता है. 12th हाउस होता है आपका एग्जाइल, आइसोलेशन, और 12th हाउस हमारा ड्रीम लैंड भी है. तो सिंस पाइसिस राशि इज ऑल अबाउट दिस, सो दीज पीपल रियली लाइक टू स्टे इन देयर ओन वर्ल्ड एंड जनरली दे डोंट लाइक टू बी बॉदर्ड. वरना इनका जो इनके खुद के साथ एक कॉस्मिक कनेक्शन होता है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर ये पीसफुल नहीं फील करते. सो फॉर पाइसिस टू फील एट पीस एंड एट बैलेंस, दे रियली नीड टाइम टू स्पेंड विद देमसेल्व्स. ऑल्सो दीज पीपल लव शॉपिंग, दे लव ट्रैवलिंग. इनको हमेशा फॉरेन लैंड्स में सेटल करने का हमेशा डिज़ायर होता है. इनको हमेशा घूमने फिरने का बहुत शौक होता है. और लास्टली अगर कोई पाइसिस लगन का अगर कोई नेटिव हो, मतलब अगर उसके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो मतलब पाइसिस लगन हो गया. तो हमने अक्सर देखा है कि पाइसिस लगना पीपल एट टाइम्स हैव अ वेरी हार्ड टाइम मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद अदर लगना पीपल एंड वाइस वर्सा. लास्टली इनके जो प्रोफेशंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं रेकी हीलर्स बन जाते हैं,
प्राणिक हीलर्स बन जाते हैं, ऑकल्टिस्ट, टैरो कार्ड लीडर्स, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत अच्छा कर लेते हैं, गुरुज बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो चलो मैं आपको ना आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन बताता हूँ। अगर किसी भी चार्ट में अगर आप देखते हो कि किसी के फर्स्ट हाउस में 12th नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो पाइसिस लगन हो गया, पाइसिस राइजिंग साइन हो गया। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है या आपका नेक्स्ट टूर कहाँ पर है, तो आप हमेशा ये देखोगे या फिर वो किसी ट्रैवल शॉर्ट फॉरन या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के टूर से आ रहे होंगे या किसी नई अपनी ट्रिप के बारे में एक्साइटेड होंगे और प्लान कर रहे होंगे। ये 99% ये प्रिडिक्शन हमेशा पाइसिस लगन पे वर्क करती करती है। तो ये थे कुछ ट्रेड्स पाइसिस राशि के। नाउ विद दिस आई रैप अप पार्ट 3, दैट इज राशीज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। अगर अब आप यहाँ देखोगे तो मैंने वही चीज़ करी, जुपिटर की दो पर्सनालिटीज़ हैं, एक उसका सैजिटेरियस साइड ने दिखाया जो उसका एक स्पिरिचुअल गाइडेंस वाला साइड था, दूसरा उसका पाइसिस वाला नेचर था जो एस्केप करना चाहता है इनटू अ स्पिरिचुअल रेल्म। उसी तरीके से जो सैटर्न की साइड है, सैटर्न की दो साइड्स हैं, सैटर्न की कैप्रिकॉन साइड है जो सैटर्न की एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्ड साइड है, सीरियस साइड है, और दूसरी सैटर्न की एक्वेरियस साइड है जो एक रिबेलियस साइड है जो सोसाइटी के अंदर चेंज भी क्रिएट करना चाहती है, नेटवर्किंग भी करना चाहती है। तो वैसे ही जो बाकी के प्लैनेट्स और राशिज भी हैं, आप वैसे रिलेट करके देखिए, आप चेक करिए कि वो कौन सी राशि में आपके सन मून बैठे हैं, आप एसोसिएट कर पाओगे उस ट्रेड्स के साथ। अब मैंने ऑलरेडी गाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के बनाए हुए हैं, जहाँ पर मैंने सन मून मार्स पार्ट 1 में और वीनस और मर्क्यूरी के जो ट्रेड्स हैं जोडियक साइंस के पार्ट 2 में कवर करे हुए हैं। ये मेरा पार्ट 3 था। आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड फॉर मोर सच वीडियोज़।